हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए सबसे पहले हम कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में दो लोगों ने अपना स्कोर बताया था, उनका नाम बताते हैं। उनका नाम है अविनाश कुमार और स्वीटी कुमारी। दोनों का स्कोर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप लोग भी जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो भी नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, शंघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? और इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, शंघाई हिरन जो आपका मणिपुर का राजकीय पशु है। किस राज्य का है? मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आज तक सरकारी जॉब में सिलेक्शन लिए हैं वो बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया किससे होता है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, मलेरिया जो आपका ये आपका ऑप्शन बी प्रोटोजोआ से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ से? याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उससे आपका मलेरिया होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा का प्रभाव है? टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। किसके साथ? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसके लिए अभी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, नीचे आपका ऑप्शन डी में है, लौह अयस्क। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, बैलाडीला जो है ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। टाइम्स अप दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा, माही नदी। याद रखिएगा, माही नदी जो आपका ये अरब सागर में गिरती है। छठा प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 71%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सातवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा, किसके साथ? अमेरिका के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और आपके सामने पहले ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन, डी नंबर में 23 मार्च है। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 28 फरवरी को। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 का जो हो जाएगा वो आपका यूएसए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए अमेरिका के साथ जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं हुआ है? जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य एक इन 4 ऑप्शन में ऐसा है जो कि राजस्थान की सीमा से सटा हुआ नहीं है। 11वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग दे दिए होंगे, ऑप्शन सी के साथ केरल जाएगा। ठीक है, केरल में साक्षरता प्रतिशत भी सबसे अधिक है, लगभग 93% है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है?
तो टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सतलज नदी। किसके साथ जाएगा? सतलज नदी के साथ। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, इवानो वॉस्की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है। 14वां प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आने वाले समय में हम क्वेश्चंस की संख्या को भी इंक्रीज करेंगे। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा लाल सागर का जो लाल रंग है वो आपका शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैवाल। चलिए लास्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कल फिर मिलते हैं मॉक टेस्ट 3 के साथ।